आदाब दोस्तों, स्वतंत्र कला के फंडकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात चल रही है लेखन कला की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको गजल के बारे में बताया था। इस एपिसोड में मैं आपको भारत के इतिहास में गजलों के शायर, पहले शायर कहे जाने वाले, मतलब गजलों का जनक कहे जाने वाले मशहूर शायर अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था और इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। 13वीं शताब्दी के आसपास ये एक सूफी संगीतकार, कवि और विद्वान के रूप में उभरे। इन्होंने अपने काव्य और संगीत के माध्यम से भारत में सूफी संस्कृति के निर्माण में महान योगदान दिया। इन्हें हिंदी, ब्रज भाषा, उर्दू और फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। अमीर खुसरो पहले ऐसे मुसलमान कवि हैं जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया अपनी कविताओं में, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है। खुसरो ने तबला, सितार जैसे वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया। इन्हें मनोरंजन और रसिकता के कवि के रूप में भी जाना जाता है। ये दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक शासकों के शाही दरबार से जुड़े शास्त्रीय कवि थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के शासन का इतिहास भी लिखा है। इन्हें कव्वाली का भी जनक कहा जाता है। मध्यकाल में पारसी काव्य की कई शैलियों में ये निपुण थे। कविता के कई रूपों जैसे गजल, मसनवी, कतार, रुबाई और दो बैती जैसी कई रचनाएं इन्होंने की हैं। खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं जिहाली मिस्की, मुकुंद तगाफुल, बहुत कठिन है डगर पनघट की, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाई के, और उनकी एक बहुत खूबसूरत रचना है खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो की अंतिम रचना थी गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देख। अमीर खुसरो का काव्य सरल और स्वाभाविक था, उसमें कृत्रिमता का अभाव था। उनकी भाषा में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण देखने को मिलता है। तो ये तो थी अमीर खुसरो के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। अब आइए आपको ले चलती हूँ अपने दोस्त अब्दुल कबीर के पास, जो हमें रूबरू कराएंगे आज के नए उभरते सितारे। स्वतंत्र कला के फनकार में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिस तरह आपने मेरे पहले प्रोग्राम को नवाजा, उसको पसंद किया, इससे मेरी हौसला अफजाई हुई और आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसे शायर, एक ऐसे अदीब के साथ हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनके नाम से उर्दू गज़ल जानी जाती है। उनको अगर अमीर खुसरो लखीमपुर का कहा जाए तो मैं समझता हूँ कहीं से कम ना होगा। उनकी शायरी समाज को ऐसे उन्वान को छूती है जो आम तौर से किसी शायर के को कहने में दिक्कत महसूस होती है, और उस चीज़ को डॉक्टर इखलाक साहब बहुत आसानी से अपनी शायरी में ढाल के कह दिया करते हैं। तो आइए हम डॉक्टर इखलाक का अपने चैनल स्वतंत्र प्रभात पे स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र प्रभात चैनल पे। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने मेरे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नाम तो आपने ले ही लिया, जैसा कि डॉक्टर इखलाक नाम है मेरा, डॉक्टर इखलाक अहमद इखलाक, और एक छोटा सा गांव ज़िला सीतापुर में पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मुस्तकिल कयाम आजकल लखीमपुर में है। और शायरी के हवाले से अगर बात करें तो 1995 से मेरा शायरी का सफ़र शुरू हुआ था, जो बदस्तूर जारी है। और बाकी प्रोग्राम वगैरह या इस तरह के जो आपने आज का ये प्रोग्राम रखा, इस तरह के प्रोग्रामों में जाने का मौका मिलता है, जिससे धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। आज मीडिया का दौर है और मीडिया से बहुत हम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है,
उसमें आपका ये रोल हमें बहुत याद रहेगा और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों को मौका दिया। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने को कैसे ये महसूस हुआ कि आप शायरी कर सकते हैं, या आपको शायरी करने की जो जिसको कह सकते हैं कि प्रेरणा मिली वो कहाँ से मिली, किस शायर को आपने अपना गॉडफादर मान के शुरू किया? गॉडफादर तो नहीं कहा जा सकता, मेरा क्लिनिक था, इत्तेफाक से जिनके घर में मेरा क्लिनिक था वहाँ एक लड़का था जो तरन्नुम से गज़ल पढ़ता था, उसका तरन्नुम बहुत खूबसूरत था, उसको रोज़ाना सुनते सुनते अंदर पता नहीं कहाँ से निकल के बाहर शायर आया और मैंने शुरुआत की। शुरुआत में मुझे ये नहीं लगता था कि मैं शायर हूँ, बस तुकबंदी किया करता था जैसा कि अमूमन सबके साथ होता है मेरी समझ से। धीरे धीरे सफ़र बढ़ता रहा और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। दूसरी बात आपने पूछी कि इसको अपना रहबर मानते हैं या क्या, मुतासिर मैं शुरुआती दौर में मैं मुनव्वर राणा साहब से मुतासिर था और उनके कलाम मुझे बहुत पसंद आते थे, लेकिन धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, धीरे धीरे शऊर आता गया तो और बहुत सारे दीगर शोरा को पसंद किया मैंने, जिसमें एक नाम सरदार आसिफ शाहजहानपुरी का भी है जिनका कलाम मुझे बेहद पसंद था, एक नाम रामप्रकाश बेखुद जो कि लखनऊ में हैं उनका आता है, उनका कलाम मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि थोड़ा सा नया हट के कहने की मुझे आदत है, फितरत से कह लीजिए, तो उस तरह का जो कलाम लोग कहते हैं थोड़ा सा लकीर से हट के वो लोग मुझे पसंद आते हैं। साहब, आपके कुछ शेर और कुछ गज़लें ज़रूर सुना। बिल्कुल बिल्कुल, चार मिसरों से मैं अपनी बात शुरू करूँगा चूँकि मैं उर्दू का शायर हूँ, उर्दू के हवाले से चार मिसरे समाप्त करें। आज क्या है कि मिली तालीम इंग्लिश मीडियम से मगर डैडी को अब्बू बोलते हैं, मिली तालीम इंग्लिश मीडियम से मगर डैडी को अब्बू बोलते हैं, और यहाँ लहजों में कड़वाहट नहीं है, यहाँ सब लोग उर्दू बोलते हैं, यहाँ लहजों में कड़वाहट नहीं है, यहाँ सब लोग उर्दू बोलते हैं। और चार मिसरे और समाप्त करें। आज क्या है कि जो लुट गया है उसे कैसे भूल जाऊँ मैं, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है, जो लुट गया है उसे कैसे भूल जाऊँ मैं, तमाम पूंजी है ये जेब खर्च थोड़ी है, तमाम पूंजी है वो जेब खर्च थोड़ी है, और वो बेवफा है तो क्या दूसरा तलाश करूँ, मियाँ ये इश्क है कोई रिसर्च थोड़ी है, वो बेवफा है तो क्या दूसरा तलाश करूँ, मियाँ ये इश्क है कोई रिसर्च थोड़ी है। और यहाँ से गज़ल का मतलब पढ़ता हूँ, समाप्त करें। अर्ज़ किया है कि ज़मीन खर्च किए देते हैं मकानों पर, ज़मीन खर्च किए देते हैं मकानों पर तो क्या वो फसल उगाएंगे आसमानों पर, ज़मीन खर्च किए देते हैं मकानों पर तो क्या वो फसल उगाएंगे आसमानों पर। और दूसरा मतलब है कि चढ़े हुए थे एयरफोन सबके कानों पर, चढ़े हुए थे एयरफोन सबके कानों पर, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं अजानों पर, चढ़े हुए थे एयरफोन सबके कानों पर, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं अजानों पर, और तमाम बच्चे इकट्ठा किए हैं कमरे में, तमाम बच्चे इकट्ठा किए हैं कमरे में, मुझे लगाम लगानी है इन ज़बानों पर, मुझे लगाम लगानी है इन ज़बानों पर। और शेर समाप्त करें कि बुलंदियों का तरफदार जो नहीं सूरज, बुलंदियों का तरफदार जो नहीं सूरज तो पहले धूप बिछी किस लिए चट्टानों पर, बुलंदियों का तरफदार जो नहीं सूरज तो पहले धूप बिछी किस लिए चट्टानों पर, और लुका छिपी तो हुई बादलों की सूरज से। बतौर खास ये शेर समाप्त करें, ये मंज़र आपने देखा भी होगा कि लुका छुपी तो हुई बादलों की सूरज से, मगर असर हुआ इस खेल का किसानों पर, मगर असर हुआ इस खेल का किसानों पर, और मिले थे दोस्त जो ऊंचाइयों पे छूट गए, मिले थे दोस्त जो ऊंचाइयों पे छूट गए, वो साथ हैं जो मिले थे हमें ढलानों पर, वो साथ हैं जो मिले थे हमें ढलानों पर। और मक्ता भी समाप्त कर लें कि सभी के सामने अखलाक तुम झुकाते हो, सभी के सामने अखलाक तुम झुकाते हो, तुम्हारा अपना कि मांगे कसर है शानों पर, सभी के सामने अखलाक तुम झुकाते हो, तुम्हारा अपना कि मांगे कसर है शानों पर, चढ़े हुए थे एयरफोन सबके कानों पर, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं अजानों पर।
एक मतला दो तीन शेर और समाप्त करें। आज किया है कि जनवरी देखें, मई देखें, दिसंबर देखें, जनवरी देखें, मई देखें, दिसंबर देखें, मुंतजर आंखें मेरी कितना कैलेंडर देखें। जनवरी देखें, मई देखें, दिसंबर देखें, मुंतजर आंखें मेरी कितना कैलेंडर देखें। और दूसरा मतला इस तरह से है कि उनकी ख्वाहिश है कि आंखों में उतर कर देखें, उनकी ख्वाहिश है कि आंखों में उतर कर देखें, हम उन्हें देखें जहां देखें कि ये घर देखें, हम उन्हें देखें जहां देखें कि ये घर देखें। और शेर इस तरह से है कि प्यार से माँ के कदम चूम रहा है बेटा, प्यार से माँ के कदम चूम रहा है बेटा, हम अपनी प्यार से माँ के कदम चूम रहा है बेटा, काश हम जागती आँखों से ये मंज़र देखें। प्यार से माँ के कदम चूम रहा है बेटा, काश हम जागती आँखों से ये मंज़र देखें। और अब तमन्नाएं बगावत पे उतर आई हैं, अब तमन्नाएं बगावत पे उतर आई हैं, हम तहम्मुल से कहाँ तक कदो चादर देखें, हम तहम्मुल से कहाँ तक कदो चादर देखें। और मक्ता इस तरह से है, समाप्त करें कि हाथ सबके हैं उठे, सब हैं दुआ गो इखलाक, हाथ सबके हैं उठे, सब हैं दुआ गो इखलाक, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर देखें, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर देखें। हजरात, गज़ल का मतला पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। अर्ज किया है कि मुसव्विर कैनवस पर जब मेरा पैकर बनाते हैं, मुसव्विर कैनवस पर जब मेरा पैकर बनाते हैं, उड़ी रंगत फटी पोशाक चश्मे तर बनाते हैं, उड़ी रंगत फटी पोशाक चश्मे तर बनाते हैं, और हवा रहने नहीं देगी उन्हें मालूम है फिर भी, हवा रहने नहीं देगी उन्हें मालूम है फिर भी, परिंदे शाख पर कितनी लगन से घर बनाते हैं, परिंदे शाख पर कितनी लगन से घर बनाते हैं। और शेर समाप्त करें कि बहुत से दर्द हम अपने बहुत से दर्द अपने हम कभी अफसा नहीं करते, बहुत से दर्द अपने हम कभी अफसा नहीं करते, बहुत कब्रें हम अपने जहन के अंदर बनाते हैं, बहुत कब्रें हम अपने जहन के अंदर बनाते हैं। और कभी हमसे तेरा चेहरा मुकम्मल हो नहीं पाया, कभी हमसे तेरा चेहरा मुकम्मल हो नहीं पाया, बहुत दिन से ख्यालों में तेरा पैकर बनाते हैं, बहुत दिन से ख्यालों में तेरा पैकर बनाते हैं। और शेर इस तरह से है, समाप्त करें कि तेरी नज़रों में मेरी हैसियत एक सिफ़र जैसी है, तेरी नज़रों में मेरी हैसियत एक सिफ़र जैसी है, मेरे जैसे ही लेकिन सात को सत्तर बनाते हैं, मेरे जैसे मेरी तेरी नज़रों में मेरी हैसियत एक सिफ़र जैसी है, मेरे जैसे ही लेकिन सात को सत्तर बनाते हैं। और यहाँ बच्चों को माँ के हाथ की लज्जत नहीं मिलती। शेर समाप्त करें बतौर ख़ास आज का माहौल, आज का ज़माना, कि यहाँ बच्चों को माँ के हाथ की लज्जत नहीं मिलती, ये ऊंचे लोग हैं खाना यहाँ नौकर बनाते हैं, ये ऊंचे लोग हैं यहाँ बच्चों को माँ के हाथ की लज्जत नहीं मिलती, ये ऊंचे लोग हैं खाना यहाँ नौकर बनाते हैं। और शेर इस तरह से है कि उन्हीं की रात अक्सर फर्श पर सोकर गुजरती है, उन्हीं की रात अक्सर फर्श पर सोकर गुजरती है, जो दुनिया के लिए आरामदा बिस्तर बनाते हैं, जो दुनिया के लिए आरामदा बिस्तर बनाते हैं। और सरे मक्ता इस तरह से है कि उन्हीं हालात के हाथों में है अब फैसला मेरा, उन्हीं हालात के हाथों में है अब फैसला मेरा, वही हालात जो इंसान को पत्थर बनाते हैं, वही हालात जो इंसान को पत्थर बनाते हैं। और मक्ता भी समाप्त कर लें, अर्ज किया है कि किसी का घर जलाकर रोशनी लेते नहीं अखलाक, किसी का घर जलाकर रोशनी लेते नहीं अखलाक, जो अपना सर छुपाने के लिए छप्पर बनाते हैं, जो अपना घर छुपाने के लिए सर छुपाने के लिए छप्पर बनाते हैं, मुसव्विर कैनवस पर जब मेरा पैकर बनाते हैं। देखें और मक्ता इस तरह से है, समाप्त करें कि हाथ सबके हैं उठे, सब हैं दुआ गो इखलाक, हाथ सबके हैं उठे, सब हैं दुआ गो इखलाक, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर देखें, कौन बनता है मुकद्दर का सिकंदर देखें। तो ये थे डॉक्टर इखलाक, जिनका ये शेर चढ़े हुए थे हेडफोन सबके कानों पर, किसी ने ध्यान दिया ही नहीं अजानों पर। एक शेर
जो हकीकत है आज के दौर में कि एक सच्चाई है कि आज के दौर में हम इतने मशगूल हो चुके हैं मोबाइल और एयरफोन में कि अजान का वक्त होता है और हमको एहसास नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात एक शेर में डॉक्टर साहब ने कही। स्वतंत्र प्रभात के लिए अब्दुल कवी।